है, क्यों कॉमन सील? बिकॉज कंपनी कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर एनीवेयर, कंपनी कहीं वो खुद से सिग्नेचर नहीं कर सकता है, इसीलिए इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर देयर इज प्रोविजन ऑफ सील, दैट इज मोहर। ओके यस सर। और अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम अदर पॉइंट्स, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी? नो नो सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, हम लोग यस सर, हम लोग फर्दर टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं। नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस थ्री पॉइंट्स, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉमन सील। नो, नेक्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन, PERPETUAL, PERPETUAL, perpetual succession, SUCCESSION, perpetual succession. अच्छा, does it mean perpetual succession? फर्स्ट सब मीनिंग एक बार देख लें। Perpetual means continuous, लगातार, and succession means जिसे लोग बोलते सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स उसका उत्तराधिकारी, दैट मीन्स आफ्टर माय फादर मैं अपने घर का एल्डर सन हूं, तो मैं मेरे उनका उत्तराधिकारी, उनका सक्सेसर मैं हो जाऊंगा। जैसे किसी राजा का एक्सपायर करने के बाद उनका उत्तराधिकारी जो उनका जो प्रिंस में जो सबसे सीनियर होंगे वो उसका उत्तराधिकारी हो जाते, तो सक्सेसर हो जाते, ठीक है। तो ये हो गया परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मींस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, लगातार, और सक्सेशन मींस जो उत्तराधिकारी। तो ये कंपनी जो है कभी बंद होने वाला चीज नहीं है, ठीक। कंपनी का जैसे कोई लाइफ नहीं है कि ये पांच पांच साल चलेगा, 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, कि 1000 साल चलेगा, इसका कोई लाइफ कोई कोई बता नहीं पाएगा कि ये कितना चलेगा, ठीक है। इसका इसके लिए एक पॉइंट, एक फ्रेज किया गया है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर्स आते जाते रहेंगे, उसके मालिक बदलते रहेंगे, उसका शेयर होल्डर बदलते रहेंगे, डिवेंचर होल्डर बदलते रहेंगे, सारे कोई बदलते रहेंगे, लेकिन कंपनी एज यूजुअल चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कब तक चलेगा इसका कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर्स आते जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो है एज यूजुअल अपना कंटिन्यूअसली वो चलते रहेगा। फॉर एग्जांपल, टाटा स्टील हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन 1907 में वो स्टार्ट किया, ठीक, चल रहा चल रहा, इट इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड कंपनी, वो 100 ईयर ओल्ड कंपनी से, मतलब 100 ईयर से ज्यादा वो अपना कंप्लीट कर चुका है टाटा स्टील, ठीक है। मालिक चेंज होते गए, उसका ओनर चेंज होते गए, शेयर होल्डर चेंज होते गए, लेकिन वो कंपनी एज यूजुअल चलते रह रहा है। इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेस, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जांपल लेते, रिलायंस इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय धीरू भाई अंबानी, ठीक। उनके गुजर जाने के बाद तो कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी बंद हो गया, उनका डेथ के बाद कंपनी बंद, ऐसा तो नहीं हुआ, अब मुकेश अंबानी चला रहे, ठीक है। उसी तरह वो कंपनी चलते रहेगा, चलते रहेगा, आदमी आते जाते रहेंगे, लेकिन वो कंपनी एज यूजुअल चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। उत्तराधिकारी, ठीक है, वो हमेशा चेंज होने वाला है, वो हमेशा चेंज होते रहेगा, लेकिन कंपनी एज यूजुअल चलते रहेगा, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट पॉइंट, मैं सिर्फ आपको पॉइंट करूंगा, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, बिफोर दिस तो हल्का कंफ्यूजन होगा कि हु आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, बेसिकली शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जो अपना जो फंड कैपिटल का जो अरेंजमेंट करता है बाई इशू ऑफ शेयर्स, बाई इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो आपका आपका शेयर ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो जिनके जिनके पास शेयर है वो कंपनी का मालिक है, ठीक। तो शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ ए कंपनी, शेयर होल्डर जो है वो कोई कंपनी का मालिक होते हैं, ठीक। अब है, अब जो जो वो कंपनी का मालिक खरीदा, मालिक जो जो कंपनी का शेयर खरीदा, वो सारे वो कंपनी का सर्टेन पार्ट के लिए, जितना मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, 1 लाख शेयर बेचा, मेरे पास सिर्फ 1 शेयर है वो कंपनी का,
ठीक है, तो मैं 1 लाख में एक हिस्सा का मैं मेरा वो प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है ठीक, लेकिन मेरे पास एक भी शेयर है तो वो कंपनी का मैं मालिक हूं ठीक। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के मालिक होते हैं। अब है, अब तो शेयर होल्डर, बट शेयर होल्डर जो है वो तो पूरा इंडिया में, ऐसा नहीं कि सारे को एक ही जगह मुंबई में है कि दिल्ली में, ऐसा तो नहीं है। कोई भी कोई कंपनी का शेयर खरीद सकता है, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि हमेशा कुछ मीटिंग हो, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ आपका कंपनी हो कि सारे शेयर होल्डर आके उसे पार्टिसिपेट करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर जो कंपनी का मालिक है, जो कि थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड वो फैले हुए हैं ठीक। अब कंपनी चलाएगा कौन, ये प्रॉब्लम आएगी। तो मालिक आपने देखा कि शेयर होल्डर्स है कंपनी के मालिक ठीक, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन कंपनी चलाएगा कौन, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि सारे शेयर होल्डर्स हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर वो कंपनी चलाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पूरा इंडिया वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो वो कंपनी चलाने के लिए शेयर होल्डर्स जो है वो डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं ठीक है। शेयर होल्डर जो एक मीटिंग करते हैं उसमें वो लोग डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टर जो है अब आगे आपका वो कंपनी चलाएंगे। तो डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव है ठीक। तो क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो क्या हो गया? मालिक कौन? शेयर होल्डर्स। चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स ठीक है। बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स बट बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स हु आर बीइंग सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, उनका सिलेक्ट करते हैं। ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, दोनों अलग अलग है। ओनरशिप है शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट है डायरेक्टर्स के पास ठीक। तो डायरेक्टर का पर्सन इज बीइंग सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर जो है जो कि शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं और उनको डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स ठीक। ये हो गया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स विल रन द कंपनी। डायरेक्टर्स को कंपनी चला देंगे। एंड डायरेक्टर्स कहां से आए? डायरेक्टर्स विल बी सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। आपस में मीटिंग करेंगे कि ठीक है कि ये हम लोग डायरेक्टर्स चूज करेंगे, ये डायरेक्टर्स हम लोग चूज करते हैं एंड दिस डायरेक्टर्स विल रन द कंपनी ठीक। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ठीक। ओनरशिप है शेयर होल्डर्स के पास, मैनेजमेंट है डायरेक्टर्स के पास ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स से आप कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग देख लें कि टू स्टार्ट और टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के एस्टेब्लिश हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे। प्राइवेट और पब्लिक में आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपनी प्राइवेट है, कौन सा पब्लिक है? क्योंकि पब्लिक कंपनी से रिलेटेड हम लोग में कंफ्यूजन है कि पब्लिक कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन इन रियल सेंस वो नहीं है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग डिटेल हम लोग करेंगे। अभी है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स किस कंपनी को स्टार्ट करने में कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख लें कि टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेंबर्स। दो व्यक्तियों के साथ, दो मेंबर के साथ आप प्राइवेट कंपनी आप फॉर्म कर सकते हैं ठीक है। तो टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी there must be at least two members. To form a private company, there must be at least two members. ठीक? And the maximum is, it has been given in your book, is 50. ठीक है? जो कि बहुत outdated है. And at present, अभी जो Companies Act 2013 में, the maximum number of members in a private company is 200. यदि कभी मिलेगा तो उसको आप चेंज कर लेंगे। अभी उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इज 200, अभी वो 200 है। नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोगों ने देखा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम है 2, मैक्सिमम है 200 ठीक। पब्लिक कंपनी के केस में द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी शुड बी 7, 7 होनी चाहिए। The minimum number of members in a public company is 7 and the maximum number of members in a public company, there is no restriction. उसमें कोई restriction नहीं है ठीक है। maximum number में कोई restriction नहीं है।
तो हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया प्राइवेट कंपनी में मिनिमम हो गया 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट में कितना, पब्लिक में कितना, वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका थर्ड यूनिट तक हो जाए, फिर कल हम लोग फोर्थ यूनिट करते हुए और बाकी जो आपका क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फोर्थ मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, लाइबिलिटी मीन्स द डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन व्हिच द कंपनी हैज टू पे इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो आपको जो पेमेंट करना है, आप कहीं से उधार लिए हैं, कहीं से लोन लिए हैं, कहीं से उधार में गुड्स खरीद के लाए हैं, आपको फ्यूचर में यदि पेमेंट करना है तो दैट इज योर लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी। तो हम लोग स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था कि लाइबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप कंपनी ये तीनों जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तीनों में ये लाइबिलिटी से रिलेटेड आपका था कि सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट इन केस ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी इसका एक्सप्लेनेशन बोला जाए तो मेरे को सिंपल सा इसका एग्जांपल से इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल कि उसका जो ऑनर है उसका लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब है कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो कंपनी ने शेयर इशू किया, शेयर वो बेचा, तो एक शेयर का दाम है ₹10। एकदम कंसेप्ट हम क्लियर रखें, कुछ चीजें प्रॉब्लम नहीं है। एक शेयर का दाम है ₹10। ठीक, अब है मैं जो आई परचेज 5 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, मैंने वो कंपनी का 5 शेयर खरीदा, तो कंपनी को मैं कितना पेमेंट करूंगा, ₹50। एक 1 शेयर का प्राइस है ₹10। अब मैंने वो कंपनी का 5 शेयर खरीदा, 5 शेयर खरीदा, तो आई हैव टू पे टू द कंपनी ₹50। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ₹50, ये मुझे कंपनी को सिर्फ ₹50 देना है, ये ₹50 देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस ₹50, कंपनी कैन नॉट डिमांड इवन अ सिंगल पेनी मोर देन दिस। इससे कंपनी जो है मुझे ₹1 ज्यादा नहीं मांग सकता है। ठीक, तो मेरा तो हो गया, मैं कंपनी का मालिक हूं, एज मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ऑनर होते हैं, तो एज ए ऑनर मुझे कंपनी को कितना पेमेंट करना है। मैंने 5 शेयर वो कंपनी का खरीदा, एक शेयर का दाम है ₹10, 1 शेयर प्राइस इज फिक्स है ₹10, तो मुझे कंपनी को ₹50 देना है। तो मेरा लाइबिलिटी कितना है एज ए ऑनर ऑफ द कंपनी, मुझे कंपनी को कितना पेमेंट करना है, ओनली ₹50। अब कंपनी बंद हो जाए, कंपनी में बहुत ज्यादा लोन हो जाए, कंपनी का बहुत ज्यादा लाइबिलिटी हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एज ए ऑनर ऑफ द कंपनी आई हैव टू पे टू द कंपनी ओनली ₹50, बिकॉज आई हैव परचेज 5 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। इसीलिए बोला जा रहा है कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी जनरली पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड, उसका लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है। कितना उसको पेमेंट करना है, जितना का उसने शेयर खरीदा उतना उसे पेमेंट करना है। ठीक है, लेकिन सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में वो प्रॉब्लम था कि आपका बिजनेस यदि लॉस में जा रहा है तो आपको घर से लाके देना है। सोल ट्रेडिंग में हम लोग इसीलिए बोले थे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में बोला गया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट इन केस ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय हिम। जितना को उसने शेयर खरीदा उतना ही उसे कंपनी को पेमेंट करना है, हो गया। इसीलिए बोलते हैं द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड, उसका मेंबर्स जो है कर लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, होगा। तो ये हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी कि कितना मेरा लाइबिलिटी है, कितना मुझे पार्टनरशिप, कितना मुझे कंपनी को पेमेंट करना है, मुझे ₹50 देना है, मुझे ₹50 देना। मैं यदि कंपनी का एक शेयर खरीदता तो मुझे ₹10 देना होता, 2 शेयर खरीदता तो ₹20 देना होता, 8 शेयर खरीदता है ₹80, 10 शेयर खरीदता है ₹100। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कंपनी को कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। तो एज द ऑनर, एज द मेंबर ऑफ द कंपनी, मेरा लाइबिलिटी हो गया लिमिटेड। कितना पेमेंट करना है मुझे पता है, ठीक है, जितना का मैंने शेयर खरीदा उतना मुझे पेमेंट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक भी पैसे की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसीलिए बोला जा रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी।
Any confusion in this point? No, sir. Okay, concept clear? Yes, sir. Now, next one is transferability of shares. Transfer, transferability, transferability of shares. Transferability of shares. तो इसमें कि द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. पब्लिक कंपनी का जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है. फ्रीली ट्रांसफरेबल मींस एनीबॉडी कैन सेल दैट दो शेयर. मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी का शेयर है, मुझे अभी पैसे की आवश्यकता है, मैं वो शेयर बेच के हट जाऊंगा, उस समय जो उसका प्राइस होगा उतना मुझे पेमेंट मिल जाएगा पर शेयर. ठीक है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मींस शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. कोई भी उसे थ्रू या विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. आप अपना शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल कर, मतलब आपका शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप इजीली उसे बेच के हट सकते हैं, आप ऑनरशिप अपना छोड़ सकते हैं. मेरे पास वो कंपनी का 10 शेयर है, मुझे अभी पेमेंट की आवश्यकता है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैं वो शेयर बेच के हट जाऊंगा और नया उसका मालिक हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. रिजिड, आर आई जी आई डी आई टी वाई, आर आई जी आई डी आई टी वाई, रिजिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब है, आप लोग उतना डिटेल नहीं है लेकिन तभी हम लोग एक दो पॉइंट समझ लें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी. कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है उसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें वेरियस क्लॉजेज आर देयर. नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड. कंपनी क्यों एस्टेब्लिश किया गया है उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में. बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी दीज थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी बनाएगा उसमें वो लिखेगा कि नेम ऑफ द कंपनी, क्या नाम रखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी को एस्टेब्लिश क्यों किए हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड एस्टेब्लिशिंग द कंपनी. वहां लिखा हुआ रहेगा कि मैं ये बना के बेचूंगा, मैं सीमेंट बनाऊंगा कि ये मशीनरी बनाऊंगा कि वॉट एवर. ठीक है. तो एनी कंपनी जो उसका ऑब्जेक्ट में जो मेंशन किया गया है कि मैं ये चीज का प्रोडक्शन करूंगा कि ये चीज का बिजनेस करूंगा या ये मेरा पर्पस है टू एस्टेब्लिश माय कंपनी, तो उससे वो चेंज नहीं कर सकता है. ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे तो फिर वो इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज. उससे पहले मीटिंग बुला के आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना होगा. ऑब्जेक्ट क्लॉज में यह मेंशन किया जाता है कि व्हाई We are going to establish this company. ये कंपनी का establishment क्यों किए हैं, क्या बनाएंगे, क्या चीज का production करेंगे. ठीक. अब वो जो object आपने mention किया है तो object clause उसको आप change नहीं कर सकते, rigid है. उसको change करने के लिए आपको फिर procedure follow करना होगा. You have to follow various procedure to change your object clause. आपका object clause change करने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा. इसलिए बोला जाता है कि जो चीज आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया गया है आपको वही चीज करना पड़ेगा, वही बिजनेस आपको कैरी ओवर करना पड़ेगा. इसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. रिजिड मींस दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी इजीली चेंज. ठीक. ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको जस्ट अभी बोला गया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज इज बीइंग देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि व्हाई, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग दिस कंपनी. ठीक. उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. चेंज करने के लिए आपको वेरियस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. इसीलिए बोला जाता है रिजिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड. नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस. ठीक. स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस बोल रहा है कि अ कंपनी इज गवर्न्ड बाय द कंपनी एक्ट. पुराना 1956 था, अभी 2013 आ गया. तो कंपनी इज गवर्न्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013 एंड कंपनी हैज टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन द कंपनी एक्ट.
कंपनी एक्ट में जो जो चीज मेंशन किया होगा, आपको कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर जितना रखना ही होगा, कितना मेंबरशिप कंपनी स्टार्ट होगा, वो सारे जो कंपनी एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो, इसीलिए बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेशन. So, as the company is governed by the Companies Act, so the company has to follow all the rules and regulation as mentioned in the Companies Act. Companies Act में जो mention किया गया, वो you have to follow all the rules and regulations. Okay? So these were the various features of a company. ये हम लोगों ने company का various features देखे. कि new को यदि कोई point में भी फिर से explanation चाहिए, clarification चाहिए, you are free to ask. कोई point में. कल की है, आज की है, जो भी है, ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, तो उसको फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा. एनीबडी कोई पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहिए, इफ यू पीपल रिक्वायर्ड एनी क्लैरिफिकेशन ऑन एनी पॉइंट आप बोल सकते हैं. कोई भी पॉइंट में कोई पॉइंट में कुछ नहीं नहीं सर फिर आगे करें सर चलिए नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ कंपनी और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी मैं एकदम समझाते चलूंगा, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है पेपर. इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारा क्वेश्चन भी आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो मैं सारा आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा का कवर कर दूं. ठीक, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज और टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक, नाउ मैं इसको सिर्फ कंसेप्ट आपको दे दूंगा टाइप्स बताते हुए. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मैं तो वेरियस बेसिस पे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी. तो फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड MODE, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किस ढंग से होता है उसके बेसिस पर. On the basis of mode of incorporation. ठीक, तो first one is statutory company. On the basis of mode of incorporation, the first one is statutory company. Statutory company. S-T-A-T-U-T-O-R-Y. S-T-A-T-U-T-O-R-Y. Statutory company. बहुत ही आसान है. बोल रहा है अ कंपनी व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय, अ कंपनी व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी. क्या मीनिंग हुआ? बोल रहा है अ कंपनी व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स आपका लोकसभा मतलब आपका जो पार्लियामेंट के थ्रू और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके थ्रू कोई एक्ट बना के कोई यदि कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. ठीक, तो अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो लोकसभा राज्यसभा से पास करेंगे. यदि कोई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट जो है पार्लियामेंट या यदि कोई स्टेट लेवल का कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो टू एस्टेब्लिश दैट कंपनी आपको स्टेट लेजिस्लेशन से पास करना होगा, विधानसभा से पास करना होगा, जो राज्य में एस्टेब्लिश होने वाला उस राज्य का विधानसभा से उसे पास करना होगा. तो इस ढंग से यदि कोई कंपनी एस्टेब्लिश की जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. तो कोई कंपनी का यदि एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी. इससे रिलेटेड और हम लोग देखें कि ये तो हो गया कि बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कंपनी एस्टेब्लिश की जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी.
अब बोल रहा है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो कंपनी जो अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाएगा तो द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनी इज प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में भी क्या भी नहीं हुआ कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होगा कि कितना प्रॉफिट कमाया क्या इसका बैलेंस शीट है क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है इन सब का जो रिकॉर्ड है वो जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो पार्लियामेंट में पेश होगा और स्टेट गवर्नमेंट होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर में पेश होगा ठीक है वहां उसे पेश करना होगा ठीक नेक्स्ट बोल रहा है कि द ये कंपनी है इसका ऑडिट जो है कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए वो सही है कि नहीं जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो सही है कि नहीं जो बैलेंस शीट आपने शो बनाया है या बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटी आप शो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं तो उनको चेक करने के लिए ऑडिट किया जाएगा एंड दिस ऑडिट विल बी गवर्न्ड कंट्रोल एंड सुपरवाइज्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सैकैग बोलते हैं सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक तो उनके गाइडलाइंस में उनके गाइडेंस में वो सब सारा एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर होगा वो ऑडिट किया जाएगा उसका एनुअल रिपोर्ट का ऑडिट उनके गाइडलाइंस में उनके कंट्रोल में उनके सुपरविजन में किया जाएगा नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट आर द मतलब वेरियस मतलब व्हिच टाइप ऑफ कंपनी विल बी कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी कंपनी तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एयर इंडिया आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी ठीक तो क्या होगा स्टैट्यूटरी कंपनी अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी एग्जांपल्स आर एयर इंडिया LIC, RBI, State Bank of India, Food Corporation of India, etc., etc. ठीक तो कोई एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट से पास होकर कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर यदि कोई कंपनी एस्टेब्लिश की जा रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड कंपनी तो व्हाट इज रजिस्टर्ड कंपनी तो बोल रहा है अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट A company which is registered under Company Act, अभी तो 2013 आ गया है आपके बुक में 1956 ही लिखा हुआ है तो a company which is registered under the Companies Act 2013 or any previous company law is called registered company. तो जो इसी कंपनी जिसकी स्थापना जो है Companies Act 2013 या उससे पहले जो भी Companies Act था उसके अंतर्गत की गई है उसे हम लोग बोलते हैं registered company. इसका definition आसान है कि registered company कोई से मतलब किस कंपनी को रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे तो वैसे कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंतर्गत की गई है उसे रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे ठीक नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टाइप इज चार्टर्ड कंपनी चार्टर्ड CHARTERED चार्टर्ड कंपनी चार्टर्ड कंपनी ठीक तो चार्टर्ड कंपनी तो पता नहीं चार्टर्ड इससे पहले मुझे इसका मीनिंग देखना पड़ा डिक्शनरी में कि व्हाट डज इट चार्टर्ड मींस व्हाट तो चार्टर्ड मींस डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना डिक्लेरेशन करना घोषणा करना तो अब है पहले जब पुराने समय में 1800 में बात करें कि एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक ऑफ इंग्लैंड चार्टर कंपनी वैसे कंपनी होते हैं कि जो कि कोई देश का जो राजा होते हैं किंग होते हैं या क्वीन होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि आज से ये कंपनी एस्टेब्लिश हो गया आज से ये कंपनी एस्टेब्लिश हम लोग ये कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और ये कंपनी जो है ये पर्टिकुलर वर्क करेगा तो ये जो है वो राजा जो घोषणा किए हैं ठीक है जिसको हम लोग मोनार्क बोलते हैं ठीक तो वो यदि घोषणा करके कोई कंपनी का एस्टेब्लिश करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी ठीक तो पुराने समय जब हम लोग का देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ चार्टर्ड कंपनी बैंक ऑफ इंग्लैंड इज अ चार्टर्ड कंपनी
ठीक है, ये सब कंपनी जो है, जो चार्टर्ड कंपनी है, वो घोषणा किया जाता है राजाओं के द्वारा, वो घोषणा किया जाता है कि ये कंपनी जो है कि ये कंपनी पर्टिकुलर वर्क के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है, सिर्फ राजा घोषणा कर दिया तो वो कंपनी एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह के कंपनी को हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। और इंडिया में चूंकि ये मोनार्की सिस्टम नहीं है, राजा का नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक कंपनी है, तो इसीलिए इंडिया में ये चार्टर्ड कंपनी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया चार्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड डिक्शनरी मीनिंग बोलता है डिक्लेयर, टू डिक्लेयर, डिक्लेरेशन करना, घोषणा करना। ठीक है, तो इंडिया में चूंकि ये राजा और महाराजा वाला सिस्टम नहीं है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए ये इस टाइप ऑफ कंपनी इंडिया में नहीं। ये हो गया चार्टर्ड कंपनी। तो अभी हम लोग डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हम लोग यहाँ पे देखें थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। स्टेचुटरी कंपनी में हम लोगों ने देखा जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर जो कंपनी एस्टेब्लिश की जाएगी उसे हम लोग बोलेंगे स्टेचुटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी हो गया, और कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू रजिस्टर अंडर द थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। चार्टर्ड कंपनी हम लोगों ने देखा जो कि राजा लोग डिक्लेयर करके जो कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे वो चार्टर्ड कंपनी होंगे। जैसे एग्जांपल आपको बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, और इंडिया में चूंकि ये मोनार्की सिस्टम नहीं है, सो इंडिया में इस तरह के कंपनी नहीं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। ठीक, टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। तो फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनीज। फर्स्ट टाइप इज अनलिमिटेड कंपनीज। तभी हम लोग जस्ट फीचर्स देखे थे कि लिमिटेड लाइबिलिटी, हम लोग जब भी कंपनी की बात करते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन ये जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये बोल रहे हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो हम लोग सिंपल इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कि जहां पे भी कंपनी का जो मेंबर है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो हो गया अनलिमिटेड का अनलिमिटेड कंपनीज। अब है तो वो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वो कंपनी जब बंद होगी तब वो कंपनी का हिसाब किया जाएगा, चलो इतना मेरे पास एसेट्स है, इतना लाइबिलिटीज है। यदि लाइबिलिटीज पेमेंट करने के लिए एसेट्स कम पर रहा, आपके पास पेमेंट कम पर रहा, पैसा कम पर रहा, तो जो मेंबर्स है उनको अपने घर से लाके पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो और इस तरह का कंपनी जो है रेयर है, ये इस तरह की कंपनी इंडिया में नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंपनीज और रेयर कंपनीज, ये कंपनीज जनरली नहीं होते। ठीक है, कंपनी के जब भी हम लोग बात करेंगे तो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी, दैट मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर अनलिमिटेड। तो इस तरह की कंपनी रेयर है, इस तरह की कंपनी नहीं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इसको हम लोग इजी वे में समझें कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी ऑल द मेंबर्स एश्योर द कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में होता क्या है पहले हम लोग समझ लें। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर जो है कंपनी को गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं कि कंपनी यदि बंद होगा तो हम लोग, यदि कुछ पैसा घटेगा लाइबिलिटी पेमेंट करने में, कुछ पेमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो वी एज ए मेंबर विल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट। ये कंपनी
को जो मेंबर गारंटी दे रहे हैं, मेंबर्स लोग यहाँ पे कंपनी को गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है आपको हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं कंपनी ये, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी जब बंद होने वाला होगा तो कंपनी को पेमेंट करने में जो भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग गारंटी देते हैं कि हम लोग इतना इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। एंड द अमाउंट ऑफ ऑल द मेंबर्स आर नॉट इक्वल, ऐसा नहीं कि सारे कोई एक ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, इट वेरीज फ्रॉम मेंबर्स टू मेंबर्स। कोई बोलेगा ठीक है कंपनी बंद होगा कुछ प्रॉब्लम आएगा पेमेंट में, मैं 10,000 रुपया दूंगा, मैं 10,000 रुपीज पेमेंट कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 20,000 रुपीज पेमेंट कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 5,000 रुपीज पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। एंड दीज अमाउंट शुडली मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो लिखा हो रहेगा कि कौन कितना गारंटी दे रहा है, मिस्टर ए इतना गारंटी दे रहा है, मिस्टर बी इतना गारंटी दे रहा है, मिस्टर सी इतना गारंटी दे रहे हैं, ठीक। एंड दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए जनरली होते हैं, ठीक। जैसे कोई क्लब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, कोई कल्चर प्रोग्राम के लिए किया, कोई प्रमोट ऑफ आर्ट के लिए कंपनी एस्टेब्लिश किया, ठीक है, इस ढंग के इसमें कंपनी होते हैं, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए जनरली इस तरह की कंपनी नहीं, ठीक। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या हो गया कि हर एक मेंबर ये कंपनी को एश्योर कर रहा है कि ठीक है आपको यदि एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी जब बंद होगा तो प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि इतना अमाउंट आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये उसका मेमोरेंडम एसोसिएशन में एट द बिगनिंग में ही मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखेगा कि मिस्टर ए ने इतना गारंटी दिया, मिस्टर बी ने इतना गारंटी दिया, मिस्टर सी ने इतना गारंटी दिया है, ठीक। इसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक। नेक्स्ट वन इज कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें हम लोग जस्ट जो भी किए थे लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय हिम। अभी जैसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका लाइबिलिटी कितना है, जितना का मैंने शेयर खरीदा वो कंपनी का उतना मेरा लाइबिलिटी है। एक शेयर का दाम 10 रुपए, मैंने कंपनी का एक ही शेयर खरीदा तो मुझे कंपनी को सिर्फ 10 रुपए पेमेंट करना है, ठीक। तो ये हो गया कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कितना उसको पेमेंट करना है, जितना का उसने शेयर खरीदा उतना कंपनी को पेमेंट करना है। बोलिए इसमें किन्हीं को अभी तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो हम लोग क्लियर कर ले। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, anybody having any problem, कोई यदि conceptual problem है तो पूछ सकते हैं कि statutory company में problem, registered company, chartered company, unlimited company, company is limited by guarantee, company is limited by shares। anybody एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो सर। फिर आगे कंटिन्यू करें? यस सर। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, on the basis of ownership, se tane puro kota mui sath kul anke ji ta mamu se tapra nai ni paila ami, on the basis of ownership, so on the basis of ownership a company may be classified into three categories, on the basis of ownership a company may be classified into three categories। तो फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी, सेकेंड वन इज पब्लिक कंपनी एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। तो हमेशा मैं स्टार्ट में ही आपको किया था कि पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ये माने कि पब्लिक कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक। पहले हम लोग आइडेंटिफाई किस ढंग से करेंगे कौन प्राइवेट कंपनी है कौन पब्लिक कंपनी है, उसका बेसिक जो क्राइटेरिया है कि जो भी प्राइवेट कंपनी होगा वो कंपनी के नाम के पीछे उसका पीबीटी लिमिटेड लिखा हुआ होगा, ठीक। कंपनी जो भी नाम होगा उसके पीछे पीबीटी लिमिटेड होगा।
और जो पब्लिक कंपनी होगा उसका सिर्फ नाम के पीछे वो आपका लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा, ये लिमिटेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिटरमाइन व्हिच वन इज प्राइवेट कंपनी एंड व्हिच वन इज पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो कंसेप्ट है, पता नहीं हम लोग स्टूडेंट थे हम लोग को भी कंसेप्ट था, पब्लिक कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पब्लिक कंपनी डज नॉट मीन इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन है। तो एनी कंपनी व्हिच इज इशूइंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, यदि कोई भी कंपनी शेयर इशू कर रहा है टेक जनरल पब्लिक के लिए इशू कर रहा है, वो सारे कंपनी आपके पब्लिक कंपनी है। तो रिलायंस का भी, रिलायंस कंपनी भी शेयर इशू करता है, रिलायंस भी आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो भी आपका पब्लिक कंपनी है, ठीक। तो ये हमेशा मिसकंसेप्शन हटा दें कि पब्लिक कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी, इट डज नॉट मीन सो। तो नेक्स्ट है प्राइवेट और पब्लिक को हाउ टू आइडेंटिफाई, तो प्राइवेट कंपनी के लास्ट में हमेशा देखेंगे पीवीटी लिमिटेड रहेगा, कैडबरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो समझ में आ गया, अच्छा ये कैडबरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दैट मीन्स इट इज अ प्राइवेट कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अच्छा देयर इज प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट मेंशन, दैट मीन्स इट इज अ पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिसकंसेप्शन है रिलेटेड विद प्राइवेट एंड रिलेटेड विद पब्लिक एंड गवर्नमेंट कंपनी वो हम लोग दूर की, क्यों आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कंपनी के नाम के लास्ट में यदि पीबीटी लिमिटेड है दैट मीन्स आप कोई भी कुछ भी खरीदे तो आप देख सकते हैं उसमें कंपनी का नाम लिखा हो रहा था, तो उसे पीबीटी लिमिटेड लिखा हो दैट मीन्स इट इज ए प्राइवेट कंपनी। पीबीटी लिमिटेड नहीं लिखा, सिर्फ लिमिटेड है तो मानेंगे। No. What is a private company? What is a public company? And what is a government company? अब है सिंपल से तीन पॉइंट याद रखना है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा फर्स्ट पॉइंट बोला है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी का शेयर जो है कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। वो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स है जितना शेयर है वो सिर्फ मेंबर्स के बीच में रहेगा, उसको पब्लिक को हम लोग बेच नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, वो शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, शेयर को खरीद बेचना नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बोल रहा है लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, उसका मैक्सिमम नंबर मेंबर जो है वो 200 रख सकता है। आपके बुक में जब भी बुक मिलेगा या आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको लिखा हुआ है, उसमें चेंज कर लेंगे। अभी एट प्रेजेंट वो 200 है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, उसका नंबर ऑफ मेंबर्स सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है। नेक्स्ट बोल रहा है आप प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर, वो जो है कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है वो रोकता है कि आप जनरल पब्लिक को आप ये कंपनी का शेयर और डिबेंचर नहीं खरीद सकते हैं, ठीक। तो दीज आर द थ्री पॉइंट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड दीज आर द थ्री पॉइंट। तो क्या क्या बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कर रहा है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, उसका जो मेंबर्स है उसका शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट है लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, उसका मैक्सिमम नंबर है 200। थर्ड बोल रहा है प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, वो जनरल पब्लिक को प्रोहिबिट्स कर रहा करता है, रोकता है कि आप वो कंपनी का शेयर और डिबेंचर नहीं खरीद सकते। इफ एनी कंपनी सेटिस्फाई दीज थ्री पॉइंट्स तो दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनी, ठीक। तो हम लोग यदि सिंपल समझे ये तो वो तो पूरा, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है वो ट्रांसफर ऑफ शेयर बोलता नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बोल रहा है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 रख सकते हैं,
थर्ड बोल रहा है जनरल पब्लिक उस कंपनी का शेयर डिबेंचर्स नहीं खरीद सकता है। यदि आप ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं देन यू आर अ प्राइवेट कंपनी। ठीक, नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी जस्ट इसको उल्टा करें, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। फर्स्ट उसे हम लोग किए थे प्राइवेट कंपनी के केस में, रेस्ट्रिक्शन था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए, बट इनके जो पब्लिक कंपनी देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी का शेयर में का ट्रांसफर करने में, उसको खरीदने बेचने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी उसे खरीद सकता है बेच सकता है। सेकेंड उसमें था प्राइवेट कंपनी के केस में उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 था, लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, उसका नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो जितना जितना शेयर खरीदेंगे, जितना मेंबर्स शेयर खरीदेंगे उतना उसके मेंबर्स हो जाएंगे, उतना उसके ओनर हो जाएंगे, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन विल बी कि पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर। पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट कर सकता है कि आइए इस कंपनी का शेयर डिबेंचर आप खरीदें। तो जस्ट हम लोग रिवर्स किए प्राइवेट कंपनी का। ठीक, तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। यदि बोला जाए सिंपल, कुछ लिखना हो लिख भी सकते हैं कि इसमें उतना डिटेल नहीं है, मैं और एक दो पॉइंट इसमें ऐड कर सकता हूं कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट डिफरेंस यदि बोला जाए कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज टू, पब्लिक कंपनी के केस में बोला जाए द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज 7। एक डिफरेंस हो गया कितना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आप रख सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2, पब्लिक कंपनी के केस में 7। नेक्स्ट डिफरेंस में भी, नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग यदि करें तो मैक्सिमम नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज और मे बी 200। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 200। पब्लिक कंपनी के केस में हो गया देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी के केस में उस कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज, इसमें आपके बुक में नहीं है वो मैं ऐड करना चाहूंगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर होना ही चाहिए। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, तो पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है इनविटेशन टू द पब्लिक। तो हम लोग जब डिफिनेशन करे तो उसी में देखे थे कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता है टू परचेज या टू बाय इट्स शेयर्स और डिबेंचर। तो क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी में बोला जाए और प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स या टू बाय इट्स शेयर्स और डिबेंचर, वेयर एज अ पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर। पब्लिक कंपनी सब्सक्राइब, पब्लिक कंपनी जो इनवाइट कर सकता है पब्लिक को वो कंपनी का शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट यदि हम लोग डिफरेंस करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का शेयर का जो ट्रांसफर है उस पर रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी का केस में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो दीज वर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी से रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे बेस कुछ हम लोग डिफरेंस देखें, और हम लोग कुछ यहाँ पे और तो 3 टाइप्स ऑफ कंपनी वो कर लें, उसका सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे, आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट
गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा, कोई कंपनी का मालिक कब कब कहलाएंगे? जब वो कंपनी का जितना शेयर कैपिटल है, जितना स्टार्टिंग में ही बोला जा रहा है कि शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो कंपनी का 51% या उससे ज्यादा अपने पास रखा हुआ है, तो हो गया गवर्नमेंट कंपनी. तुम लोग स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर्स लोग. यदि सेंट्रल गवर्नमेंट 51% आप 50% से ज्यादा यदि आपके पास है तो आप उसके मालिक हो गए. ठीक, तो गवर्नमेंट कंपनी, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? तो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसका जो भी शेयर कैपिटल है उसका 51% या उससे ज्यादा का जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट अपने पास रखे हुए है, और एनी स्टेट गवर्नमेंट, यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पास रख सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ और ज्वाइंटली बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर भी कर सकता है. ठीक, तो जो भी कंपनी में उसका शेयर का जो भी हिस्सेदारी है, शेयर का जो भी शेयर जो किसके पास है, यदि 51% या ज्यादा यदि गवर्नमेंट के पास है तो हो गया गवर्नमेंट कंपनी. अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, और ज्वाइंटली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंपनी में 26% शेयर है और स्टेट गवर्नमेंट का भी 26% है, ये दोनों मिलके हो गया 52%, तो दैट कंपनी विल बी नोन एज गवर्नमेंट कंपनी. तो जो कंपनी में, तो डिटरमाइन किस ढंग से हो रहा है कि गवर्नमेंट है कि नहीं गवर्नमेंट है, तो जो कंपनी में 51% और ज्यादा का शेयर जो गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और ज्वाइंटली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो हो गया आपका गवर्नमेंट कंपनी. ठीक, तो गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि आप सोचिए कि 50% से ज्यादा जिसके पास होगा तो वही तो उसका मालिक हो गया. तो 51% से ज्यादा यदि गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो गया. ठीक है, तो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ये ऑनरशिप के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे किए वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज. तो हो गया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. No, next one is, and that will be the last one of types of companies, on the basis of jurisdiction of the functioning. Jurisdiction means कहाँ पे आप function कर रहे हैं, आपका company है कहाँ पे. Jurisdiction, J-U-R-I-S-D-I-C-T-I-O-N, on the basis of jurisdiction of the functioning. So on the basis of jurisdiction of the functioning, a company may be divided into two parts, that is national company and multinational company. National company and multinational company. तो बोल रहा है what is national company? तो हम लोग simple इसे समझेंगे कि जहां पे वो company का registration हुआ है और वही कंट्री में वो अपना बिजनेस ऑपरेशन चला रहा है, तो हो गया नेशनल कंपनी. मान लीजिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन मुंबई में हुआ है, वो पूरा सिर्फ इंडिया में ही, विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया में ही वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो हो गया नेशनल कंपनी. दैट मीन्स अ कंपनी इज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन द कंट्री इन विच इट इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड नेशनल कंपनी. दैट मीन्स जिस देश में आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन हुआ है, वही देश में आप यदि, वही देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आप यदि अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वो हो गया आपका नेशनल कंपनी. ठीक, नो मल्टीनेशनल कंपनी. तो मल्टीनेशनल नाम ही लग रहा, मल्टीनेशनल दैट मीन्स एक देश से ज्यादा देश. तो जिस देश में आपका रजिस्ट्रेशन वहां तो आप चलाई, वहां तो आप बिजनेस कर ही रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्री यू आर ऑपरेटिंग इन सम अदर कंट्रीज ऑल्सो. आपका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ, आपका आपका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और आपका बिजनेस जो है इंडिया से बाहर भी, एशियन में, एशिया के अदर कंट्रीज में भी है या यूरोपियन कंट्रीज में भी है, तो आपका हो गया मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक, तो उसको डिफाइन क्या कर सकते हैं? तो व्हेन द ऑपरेशंस
of a company are extended beyond the boundary of a country in which it is registered is called multinational company. That means जहाँ पे आपके company का registration हुआ है वो देश में तो आप business कर ही रहे हैं, apart from that country आप other countries में भी अपना business कर रहे हैं, तो आपके आपका company हो गया multinational company. ठीक, तो national company, multinational company. यदि आपका जहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ जिस देश में, वही देश में आप यदि अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हो गया नेशनल कंपनी, और जिस देश में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्री आप दूसरे देश में भी अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हो गया आपका मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक, अब है पता है कुछ आपके बुक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, वो मैं ये सिर्फ डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ. ये कंपनी से रिलेटेड सिर्फ मेरिट ही मेरिट है, सिर्फ मैं पॉइंट बोल के हल्का समझाते हुए कर लूंगा. आपके बुक में पेज नंबर 34 पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन से मैं उसे सिर्फ डिस्कस कर देना चाह रहा हूं. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम हाउ मच, how much the minimum number of members public limited company, 7 public, very good, and maximum no restriction or in other words we can say that it is unlimited. Yes sir, we can also write unlimited. Okay, the next one is the number of members in a private limited company minimum 2, maximum 200. Very good. Next is the liability of the shareholders in a joint stock company is usually, the liability of the shareholders in a joint stock company is usually, liability से related आपको दो point हम लोग explain किए थे, limited liability और unlimited liability. तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बट इन केस ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर क्या, लिमिटेड. वेरी गुड. इन अ गवर्नमेंट कंपनी डैश परसेंट ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट 51%. वेरी गुड. In case of unlimited companies, members' liability is unlimited. Unlimited. Very good. Unlimited. Next one is a company established by a special act of parliament is called registered. A company established by a special act of parliament is called registered to company. स्टार्टिंग ही किए थे उसे, स्टैट्यूटरी कंपनी था ना वो, दैट वन स्टैट्यूटरी. ओके, डिड यू हैव सम फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम लोग सिर्फ मेरिट डिमेरिट सिर्फ पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर लें, ज्यादा इसमें हम लोग नहीं है. बोले अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज हम लोग किए. एनी इफ एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम, कुछ यदि एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी किए, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी. कुछ तो समझ में आया होगा. या कहीं एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछिए. नहीं सर, ऑल क्लियर हो जाएगा. ऑल क्लियर सर. चलिए बहुत अच्छी बात है. चल नेक्स्ट वन इज मेरिट्स ऑफ अ कंपनी. सीधा मैं पॉइंट ये करूंगा, हल्का एक्सप्लेन करते हुए इसे मैं कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि आज कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग कर लें तो कल हम लोग को ज्यादा बर्डन नहीं होगा. द मेरिट्स ऑफ अ कंपनी, द फर्स्ट मेरिट इज लार्ज कैपिटल. तो हम लोग हमेशा कंपेयर कर रहे हैं सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस से. तो सोल ट्रेडिंग में देखा कि सिंपल सोल ट्रेडिंग जो है उसमें वैसा बिजनेस है दैट इज ऑन एंड कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन. तो सिंगल पर्सन कितना इन्वेस्ट कर पाएगा, उसका ज्यादा कैपिटल नहीं है,
ठीक, तो उसका कैपिटल बहुत कम है। पार्टनरशिप में अब मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 10 और 20 है, तो वो भी बहुत ज्यादा कैपिटल अरेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अ कंपनी कंपनी कैन अरेंज इट्स कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो। कंपनी जो है अपना कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकता है जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिवेंचर्स बेच के। मैंने मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो कंपनी क्या कर सकता है, उसका वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा रहेगा कितना शेयर उसका मैक्सिमम इशू कर सकता है, वो एट द वेरी बिगनिंग ही वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन कर देगा। तो मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो कंपनी को, कंपनी क्या करेगा, उसका एक शेयर का दाम 10 रुपीज है, वो कंपनी करेगा 1 लाख शेयर इशू कर देगा 10 रुपीज का, उसको 10 लाख रुपया हो जाएगा फ्रॉम द जनरल पब्लिक। उसको 1 करोड़ रुपीज की आवश्यकता है, तो वो भी थ्रू इशू ऑफ शेयर, थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स और थ्रू बैंक लोन। अ कंपनी कैन अरेंज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये जो है कंपनी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अरेंज कर सकता है थ्रू इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और थ्रू बैंक लोन्स। अब ये लार्ज कैपिटल आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इन कंपैरिजन विद सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप कंपनी का कैपिटल लार्ज है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट पॉइंट वाज लार्ज कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर्स, जितने प्राइस का वो शेयर्स है उतना उसको पेमेंट करना है। मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, एक ही शेयर खरीदा, तो कंपनी को मुझे 10 रुपए देना है। सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड, वहां पे आपका लिमिटेड है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज लार्ज कैपिटल, सेकेंड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी, नेक्स्ट वन इज एस्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। एस्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस What does it mean? तो हम लोग when we were discussing about perpetual succession, उसमें हम लोग बोले थे members may come, members may go, but the company will go on forever. Members आते रहेंगे, members जाते रहेंगे, लेकिन company जो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कब तक चलेगा पता नहीं। तो यहाँ पे stability of existence, stability है कि किसी को कुछ होने से, कोई member expire कर गए या क्लिनिक के साथ कुछ हो गया, तो उससे आपका बिजनेस पे, उससे कंपनी पे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंपनी एज यूजुअल चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो प्रॉब्लम है सोल ट्रेडिंग बिजनेस में। सोल ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही ओनर है, कुछ हो गया था तो बिजनेस चलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं चलेगा। पार्टनरशिप में दो ही पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं, एक भी पार्टनर एक्सपायर कर गए कि कुछ रिटायर कर गए, व्हाटएवर द प्रॉब्लम है, भी पार्टनरशिप फर्म आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन इनके सब कंपनी जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मेंबर्स के आने जाने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक। तो यह है स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंपनी जो है वो हमेशा बिग कंसर्न है, लार्ज कैपिटल है, वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। लार्ज कैपिटल है, ह्यूज रिसोर्सेज है, तो वो जो अपना प्रोडक्शन है लार्ज नंबर में कर सकता है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एज देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, नो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो आप अपना प्रोडक्शन जो है आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट वन इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। स्कोप ऑफ या स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कंपनीज को फंड की आवश्यकता है, शेयर डिवेंचर्स, बैंक लोन ले सकता है कंपनी जो है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हाट एवर द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसे वो डिविडेंड के रूप में मेंबर्स को बांट दिया, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ फंड जो अपना रिजर्व में रखता है उसे हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कुछ फंड होगा, कुछ आपका शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड्स इशू करके होगा, कुछ बैंक लोन करके आपका हो सकता है। तो जब जरूरत हो आप अपना ये फंड का यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो अपना बिजनेस का हमेशा एक्सपेंशन आप के लिए आप तैयार हो सकते हैं कि आप अपना बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक छोटी कंपनी थी, आजकल रिलायंस इंडस्ट्री तो सारे चीजों में आ गई। तो क्या हो गया, फंड था उनके पास, ठीक, वो शेयर इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, रिजर्व का यूज कर सकते हैं। तो हमेशा वो नया नया बिजनेस में ट्राई करते रहते हैं, अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करते रहते हैं, बिकॉज देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ फंड। इसी इसको हम बोलेंगे स्कोप फॉर एक्सपेंशन।
Next one is public confidence. Public confidence. तो public confidence है, पहले भी है. Rule क्या बोल रहा है? All the books of accounts of a company must be audited by a chartered accountant. जो भी books of accounts होते हैं, जो भी आपका profit and loss account balance sheet जो company अपना books of accounts बनाते हैं, at the end of the financial year उनको chartered account टेंट जो होते हैं उनको वो सारा बुक्स ऑफ अकाउंट उनसे चेक करवाना पड़ता है. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सर्टिफाई करते हैं कि सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपनीज ने बनाया वो सही है. और वो जो एनुअल रिपोर्ट वो अपना आपका उनका वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होता है. तो क्योंकि इनकेस ऑफ कंपनी पब्लिक आर ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि वो कंपनी का मुझे शेयर खरीदना है, तो कंपनी का मुझे शेयर खरीदना है. यदि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब तो मैं वो कंपनी का शेयर खरीदूंगा. तो मुझे पता किस ढंग से चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस ढंग का है, मुझे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना होगा. और जो एनुअल रिपोर्ट उनके वेबसाइट्स पे है वो सही है कि नहीं, उसमें आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सारा ऑडिट किया गया है. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोरोली चेक किए हैं कि हाँ इतना सेल हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, ये इसका एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, वो सारा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी वो लिख के देते हैं कि ये सारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है. तो पब्लिक जो है, जो कि इन्वेस्टर है, जनरल पब्लिक जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ये प्रॉफिट शो कर रहे हैं वो सही प्रॉफिट शो हो रहा है. ठीक है, क्योंकि जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है कंपनी का, दैट मस्ट बी ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट किए हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट आपका सही फिगर शो कर रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. हम लोग ये तो बहुत ही डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मेरे पास कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है, मुझे अभी पैसे की आवश्यकता है, मैं वो कंपनी का शेयर बेच के मैं अपना अमाउंट रिकवर कर लूंगा. ठीक है, तो द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. वो कोई पब्लिक कंपनी का शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. तो हम लोग हमेशा कंपेयर कर रहे हैं सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस से. तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में क्या था, सोल ट्रेडिंग में सिंगल हम लोग उसमें जो उसका लिमिटेशन में हम लोग किए थे कि अ पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड. एक पर्सन जो है वो सारे फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, तो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है. पार्टनरशिप में मैक्सिमम तीन या चार, ठीक है, तीन चार मिलकर जो पार्टनरशिप हम स्टार्ट किए या चला रहे हैं, तो आपका भी वेरियस फील्ड का एक्सपर्टाइज आपको वहां पे नहीं मिल सकता है. लेकिन इन केसों पे कंपनी क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैपिटल है, लार्ज फंड है, फंड का कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कंपनी जनरली क्या कर रहे हैं कि प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं. मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं, आपका मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग से जो एमबीए की उनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं. ठीक है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट संभालने के लिए एचआर मैनेजर से अपॉइंट कर रहे हैं. तो वो जो है अपना बिजनेस चला रहे हैं इन अ प्रोफेशनल वे, वो अपना बिजनेस को प्रोफेशनली चला पाते हैं कंपनी के केस में. ठीक, क्योंकि उन पर फंड की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं. नेक्स्ट वन इज टैक्स बेनिफिट्स. अब नेक्स्ट वन इज टैक्स बेनिफिट्स. टैक्स नेक्स्ट वन इज टैक्स बेनिफिट्स. अब टैक्स बेनिफिट्स, तो देयर आर वेरियस प्रपोजल्स by the government of India that if you will establish your company in a backward area or in the northeast of the country, तो वहाँ पे आपको और special economic zones आप establish करेंगे तो at the very beginning आपको 3-4-5 साल tax देने की आवश्यकता नहीं है. ठीक, तो ये आपका government का ये proposal है कि आप यदि इस ढंग से अपने company का establish करते हैं in the backward area, अंडर डेवलप्ड रीजन, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग के 4 or 5 years यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स.
तो ये आपका टैक्स बेनिफिट है इफ यू आर एस्टेब्लिशिंग योर कंपनी इन दीज प्लेसेज, आप इस प्लेसेज में एस्टेब्लिश करेंगे तो ये आपके बेनिफिट है। नेक्स्ट वन इज रिस्क डिफ्यूज्ड, रिस्क डिफ्यूज्ड DIFFUSED। तो हम लोगों ने देखा इनके जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस, सारे प्रॉफिट एक को मिले, लॉस भी वही उन्हीं को बियर करना होगा। इनके जो पार्टनरशिप जिसमें आपके पार्टनर्स हो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 और 20, रिस्क जो है वही 10 20, और जो भी 4 उसके पार्टनर्स है उनको सारा बियर करना होगा। बट इन केस ऑफ कंपनी इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर आर लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, तो रिस्क क्या होगा, बट क्या रिस्क विल बी डिफ्यूज्ड। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका मेंबरशिप इसमें ज्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स आर देयर, तो आपका रिस्क आपका कम से कम हो जाता है। दीज मेरिट्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट विल डिस्कस द लिमिटेशन, लिमिटेशन करने का सीधा कोऑपरेटिव सोसाइटी में चलेंगे, आज हम लोग टारगेट हुआ था कंप्लीट हो जाए। नाउ लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक, तो हम लोग लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी, फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। हम लोग सोल ट्रेडिंग में देखें, इट वॉज वेरी इजी टू स्टार्ट अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, आप जब जो चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। पार्टनरशिप के भी केस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप दो पार्टनर मिलकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन और अपना रजिस्ट्रेशन कराना नहीं कराना इनके जो पार्टनरशिप बिजनेस डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स, इट इज नॉट कंपलसरी बट नेसेसरी इनके जो पार्टनरशिप। कंपनी के केस में देर आर अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज विद द कंपनी, कंपनी को बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करने पड़ेंगे तभी वो कंपनी एस्टेब्लिश हो सकता है, इसीलिए डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। कंपनी एक्चुअली फुलफिल वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी इन केस ऑफ ए कंपनी, इन केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी, इसीलिए कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में डिफिकल्टी इज फॉर्मेशन इज देयर। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सेक्रेटरी, तो इन केस ऑफ हम लोग सोल ट्रेडिंग में देखें मालिक अकेला है, वो क्या बिजनेस कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, किसी को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे पूरा सीक्रेसी मेंटेन किया गया था। इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने देखा देयर वर टू पार्टनर्स और जो भी व्हाटएवर 6 और 10 पार्टनर, तो वो जो है सीक्रेसी वहां भी मेंटेन हो सकता है, क्योंकि वो दो जो भी बिजनेस है वो उसका सारा नॉलेज वो 2 या 5 10 आदमियों के बीच में, 10 पार्टनर्स के बीच में है। बट इन केस ऑफ ए कंपनी आपका एनुअल रिपोर्ट इज मेड पब्लिक, आपका क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या बैलेंस शीट है, क्या पोजीशन है आपके कंपनी का, वो सारे पब्लिक उसे देख सकते हैं। आपका जो भी डिस्कशन है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, उसका सारे शेयर हो मैक्सिमम सारे शेयर होल्डर्स जो वहाँ आते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी सीक्रेट नहीं रह सकता है कि क्या मतलब आप बिजनेस रिलेटेड कुछ वहाँ सीक्रेसी नहीं रख सकते, इसीलिए वहां पे लैक ऑफ सेक्रेसी। नो डिले इन डिसीजन मेकिंग, तो हम लोग हमेशा इसको बोल रहे कि हम लोग कंपेयर कर रहे
हेलो हेलो हाँ बीच बीच आवाज नहीं आ रही थी नहीं यस तुम तो बोलते जा रहा था मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा कितना पॉइंट है आप लोग की हेलो हाँ हाँ मैं कितना पॉइंट अभी सर ने फोन किया कि आवाज नहीं आ रही थी मेरा कट गया था कितना पॉइंट तक आप लोगों ने किया लैक ऑफ सिक्योरिटी क्या लैक ऑफ सिक्योरिटी
अच्छा उसका तो मैं तीन पॉइंट और डिस्कस करते जा रहा था। लैक ऑफ सेक्रेसी। यस सर। वो हो गया कि फिर से समझाना होगा? बोलिए सर। वो आप समझ गए कि फिर से बताऊं? लैक ऑफ सेक्रेसी। यस सर। फिर से बोलिए। ठीक है, मैं लैक ऑफ सेक्रेसी से बोल रहा हूँ। Yes, तो हम लोग इसमें हमेशा कंपेयर कर रहे हैं सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस। सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं। इनके जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस, वहाँ फुल सेक्रेसी इज बीइंग मेंटेन। ऑनर जो है वो पूरा का पूरा सेक्रेसी मेंटेन कर सकता है इनके जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, क्या प्रॉफिट हुआ, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो पार्टनरशिप बिजनेस ऑल्सो सेक्रेसी कैन बी मेंटेन, बट इन केस ऑफ अ कंपनी सेक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन। व्हाई? इन केस ऑफ कंपनी सेक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन बिकॉज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज बीइंग मेड पब्लिक। कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दिया जाता है। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके वो अपना कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या उसका बैलेंस है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, यू कैन इजीली वॉच दिस थिंग्स ऑन द वेबसाइट ऑफ ए कंपनी। और थ्रू एनुअल रिपोर्ट आप कंपनी क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या उसका एसेट्स लाइबिलिटी, आप इजीली जान सकते हैं। ठीक है, और कंपनी को कुछ भी डिसीजन लेना है तो उनको वहां पे मीटिंग बुलाना, इंटरनल मीटिंग बुलाना पड़ता है। तो ये सब जो है तो कंपनी कुछ भी अपने चीज को जनरली सीक्रेट नहीं रख सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं विथ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस। इनके जो सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस आप पूरा सिक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ कंपनी देयर इज लैक ऑफ सिक्रेसी। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ मतलब अब आवाज आ रही है ना? यस सर। चल नेक्स्ट। दैट वाज लैक ऑफ सेक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट डिले इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। आप तो इन केस ऑफ द कंपनी ऑल द डिसीजंस आर बीइंग मेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और थ्रू शेयरहोल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बार बार कंपेरिजन कर रहे हैं सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिजनेस। तो इनके साथ सोल ट्रेडिंग बिजनेस कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोल ट्रेडिंग बिजनेस द बिजनेस वॉज ऑन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन, सो दैट पर्सन कैन इजिली टेक एनी डिसीजन। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस टू और फोर पार्टनर्स कैन टेक डिसीजन वाई मतलब क्विकली, बट इन केस ऑफ अ कंपनी यू हैव टू टेक एनी डिसीजन, यू हैव टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग विल कॉल एंड इट विल टेक टाइम। सो इन केस ऑफ अ कंपनी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज क्वाइट लेंथी, सो देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग।
Hello. Actually, due to some technical problems, so this actually could not be connected to us. So today I will discuss something about assignment. Okay. So another 10 to 20 minutes, yes, I will discuss about how to prepare the assignment. Assignment, we said, Mutiki, Odia, some college, Oliver. Yes, sir. Odia, college. ओडिया कोई भी ना इंग्लिश से कोई हां अपनों को ओडिया कोई भी ना इंग्लिश से कोई कण साजिल साजली इकबाल सर ओडिया नहीं आता है को असाइनमेंट हिंदी में बोल दीजिए हिंदी में बोल देंगे हिंदी में चलेगा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ यस हिंदी एंड इंग्लिश आई विल स्पीक इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ओके सो यस आपको कहां मिलेगा नंबर 1 असाइनमेंट क्या है असाइनमेंट चीज क्या है और असाइनमेंट कंपोनेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसीलिए असाइनमेंट एक जो टीचर लैक ऑफ टीचर आपका टीचर नहीं है क्लास होता है वो संडे में होता है नहीं आपका जो क्लास होता है वो संडे में होता है इसलिए जो एक टीचर का जरूरत है वह पढ़ाने के लिए जो संडे में जो क्लास होता है इसको बोल जाता है इसको बोला होता है कि काउंसलिंग क्लासेस इट्स कॉल्ड काउंसलिंग क्लासेस क्लियर बिकॉज इन द काउंसलिंग व्हाटएवर द डाउट्स यू हैव और व्हाटएवर द क्वेश्चन यू हैव और व्हाटएवर द क्वेरीज यू हैव दैट कैन बी क्लेरिफाइड जो आपका क्वेरीज होता है डाउट्स होता है आपका माइंड में जो क्वेश्चन होता है वो क्लेरिफिकेशन दिया जाता है संडे में तो क्या है असाइनमेंट के क्या रोल है इसमें असाइनमेंट जो आप एक एक कोर्स में जैसे कि आप चार कोर्स में चार असाइनमेंट देना है जो असाइनमेंट है वो एक रिलेशन डेवलप करता है टीचर और बीच में और जो विद्यार्थी है और जो शिक्षक है इसी में बीच एक रिलेशन करता है और इसी रिलेशन इसी माध्यम में होता है नहीं जो असाइनमेंट माध्यम से होता है किसे कैसे होता है ना आप जो असाइनमेंट क्वेश्चन मिलेगा इसी को आंसर में लिखेंगे और आंसर में तब्दील करेंगे तो आंसर को जब इवैल्यूएटर बाय एकेडमिक काउंसलर इसको इवैल्यूएट करेंगे कुछ ना कुछ वो आपका पॉजिटिव फीचर देखेंगे आपका कुछ पॉजिटिव स्किन देखेंगे और आपका जो परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा इसी परफॉर्मेंस को वो पॉजिटिव वे में आपका जो असाइनमेंट में लिखेंगे कि आपका आंसर और अच्छा होना चाहिए आपका आंसर ए और अच्छा होगा मटेरियल और थोड़ा पढ़ने से मैट्रिक्स आप अच्छा कर सकते हैं ये जो
कमेंट आपका असाइनमेंट माध्यम से आपको मिलेगा, समझ रहे हैं ना? तो एक असाइनमेंट लिखेंगे कैसे, आपको असाइनमेंट लिखेंगे कैसे? तो असाइनमेंट आपको लिखना है, आप क्या करेंगे ना, असाइनमेंट जो है आपको, अब मैं एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ, आप स्लाइड एक स्लाइड में दिखाऊंगा और इसी स्लाइड से आपको पता चलेगा कि असाइनमेंट कैसा लिखा जाता है। आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन कहाँ है, आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा ना, रीजनल सेंटर भुवनेश्वर वेबसाइट में है और इग्नो मेन वेबसाइट में है। तो आपको कैसे जो पता चलेगा भुवनेश्वर वेबसाइट क्या है और इग्नो मेन वेबसाइट कैसा है ना, आपको www.igno.ac.in को जाना है और इसी में आपको जाने का स्टूडेंट जोन है। आप कभी इग्नो वेबसाइट खोले हैं? इग्नो वेबसाइट आपको जब खोलेंगे आपको एक स्टूडेंट जोन मिलेगा, इस स्टूडेंट जोन को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट कैप्शन आएगा, कैप्शन आएगा ऑनलाइन एडमिशन का, कैप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का, कैप्शन आएगा और डिफरेंट कैप्शन आएगा और इसको आप सिर्फ असाइनमेंट का ऊपर क्लिक करना है और असाइनमेंट क्लिक करने से फास्ट आएगा आपका मास्टर डिग्री, इसका बात आएगा आपका बैचलर डिग्री, इसका बात आएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसका बात आएगा आपका डिप्लोमा, इसका बात आपका आएगा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम आएगा, इसका बात आएगा आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम आएगा, जो सर्टिफिकेट आपको पढ़ना है, समझ रहे ना, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपको पढ़ना है वो सर्टिफिकेट जो क्वेश्चन जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एक पीस ऑफ पेपर में आप लिख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन आपको लिखना है, समझ रहे ना। तो इसका बाद डाउनलोड करने का बाद और लिखने नोट करने का बाद तो आपको पता चल गया ये क्वेश्चन, आपको बताया आपका चार कोर्स है, एक प्रैक्टिकल कोर्स है, वो प्रैक्टिकल हम करेंगे, कैसे करेंगे आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो एक जो थ्योरी कोर्स है एक है ईसीओ वन, इसका एक असाइनमेंट लिखना पड़ेगा और आपका है बीसीओए वन, इसका भी एक असाइनमेंट है और पीसीओ वन, इसका भी एक असाइनमेंट है, समझ रहे हैं ना। तो तीन असाइनमेंट हो गया और जो एक प्रैक्टिकल कोर्स है वो प्रैक्टिकल कोर्स का भी और कब इसका टाइम इन्फॉर्म यू। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि आप जो क्वेश्चन मिल गया इसको थोड़ा पढ़िए, इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िए। तो यू गो थ्रू द क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हेयर इज द आंसर और व्हेयर इज द आंसर, आंसर में भी इन पेज नंबर वन आपको जो मटेरियल कुछ कुछ मिला है और नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे, जो मटेरियल आपका वेबसाइट में भरपूर है मैं भी आपको व्हाट्सएप में ये मटेरियल दिया है और इसको आपको सप्लाई कर चुका हूं और नहीं मिला है तो मुझे लिखिए, मैं आपको मटेरियल जो वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा और सिर्फ आपका पास मोबाइल है, मोबाइल में इसको डाउनलोड कर दीजिए, करके एक पीडीएफ फाइल बना दीजिए और एक पीडीएफ फाइल में रख लीजिए, जब आपका फ्री होगा, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ के बोरिंग हो रहे हैं तो आपको पढ़िए, वो टाइम में पढ़ने का बाद आपका आइडिया हो गया कि मटेरियल क्या क्या है। तो मटेरियल जो पढ़ने का बाद जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हिसाब से देखिए कि जो क्वेश्चन है इसका आंसर कहाँ कौन सा पेज में है, पेज नंबर वन में हो सकता है, पेज नंबर दस में भी हो सकता है, पेज नंबर फिफ्टीन में हो सकता है और पेज नंबर थर्टी में भी हो सकता है, इसको सबको मिलाइए, ये जो मिला के आप एक नोट बनाइए कि ये जो पेज में सब आंसर है। तो इसको क्या किए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको देन यू ब्रिंग ए कंक्रीट सॉल्यूशन। तो आपको क्या करेगा ना, पेज नंबर 10 में सब तो लिखने से नहीं होगा, यू हैव टू राइट विद इन 500 वर्ड्स, यू हैव टू राइट द आंसर विद इन 1000 वर्ड्स, यू हैव टू राइट द आंसर विद इन 1500 वर्ड्स, कुछ लिमिट होता है आंसर लिखने का, कुछ लिमिट होता है। तो इसी आंसर को
तो आप कैसे लिमिट में बनाएंगे ना, आपको तो अपना मन से लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, और जो कॉपी करना नहीं है कि मटेरियल में जो लिखा है इसको मैं एग्जैक्टली लिख दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, जो क्वेश्चन नंबर जो मटेरियल में पेज नंबर 10 में है, 30 में है, 40 में है, 120 में है, इसको मिलाइए, सब मिला के थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपका मन से लिखिए कि ये आंसर ये मेरा मन से जो इन योर ओन वर्ड्स यू कैन बी एबल टू राइट द आंसर, तो दैट विल बी मोर इम्प्रेसिव एंड यू विल गेट ए गुड मार्क्स। आप मन से नहीं होगा तो आप जो लिखेंगे अपना ढंग से लिखेंगे कि कॉपी कर देंगे मटेरियल से, तो इट विल नॉट बी इम्प्रेसिव, रादर द एकेडमिक काउंसलर विल गेट बोर्ड, he will say, he will think that the student has exactly copied from the, exactly replicated from the study material, so it will not be impressive, you will not get good marks. So how to secure good marks, that is a very important question. So that you have to study hard, find out the answer where it lies. It may be in page number 10, it may be in page number 20, it may be in page number 30. You collect those pages and try to read it out once, twice, thrice. Then after you will be able to find out, then you will be able to get the concrete solution. Then you are able to summarize it in your own words. This is the procedure. Then another information I have to say here. So how to, because in the study material, initially you will face problem. Frankly speaking, because I am a student also, I am going through the study material. In the beginning, you will face the problem. You will think that, आपको सोचेंगे, hey, इतना material कहीं पड़ेगा, मेरा पास time नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ा? There is a technique, remember kids, there is a technique that you have to follow. See, what type of technique you have to follow? Now, आपको fast time पढ़ना है. That is called fast study. Fast study में आपको you will face difficulties, no doubt. You will face difficulties. There are so many difficult words, difficult sentences. There will be so many difficult passages. So you may not understand the concept very well in the fast study. Fast study में आपका problem होगा, जरूर होगा. So that is why counseling classes is mandatory. Counseling classes is mandatory. That counseling classes is not mandatory, but it is mandatory those who do not understand. So आपको counseling, इसलिए तो counseling class में organize किया हूँ. तो आपको question पूछना है, क्या क्या difficulties आपका है, क्या क्या problems है? Try to share with your friends or your resource person so that it can be clarified in a very clear manner. You can understand the concept very well so that you will be able to write the answer in your examination. That is the purpose of counseling and that is the purpose of your study material. आपको study material मिल गया? नहीं है तो डाउनलोड कर दीजिए. मैं और जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है COVID-19 का, वो तो खत्म होगा, एक दिन तो खत्म होगा ना, तो एक खत्म होने का कुछ स्टडी मटेरियल दिल्ली से आ जाएगा. मैं सबको सोच रहा हूँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का सब स्टूडेंट को मिल गया स्टडी मटेरियल, बिकॉज द यूनिवर्सिटी थॉट दैट दे आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन इन जून. फॉर दैट यूनिवर्सिटी इज वेरी सीरियस, तो यूनिवर्सिटी and the MPDD session, they might have sent the material to each and every student of certificate programs so that they will able to study, able to write the assignment, and they will be able to write the examination in June. So, aapko study material jo mil gaya, to ye study material padhiye, second step padhiye, थर्ड स्टेप पढ़िए, और थर्ड स्टडी का बाद आपको पता हो जाएगा कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. और जो आपका डिफिकल्ट वर्ड्स होता है और डिफिकल्ट पैसेज, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, एंड यू राइट दोज पॉइंट्स ऑन द राइट साइड, राइट हैंड साइड मैट्रिक्स और लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स. जो बुक्स में जो स्टडी मटेरियल में राइट हैंड साइड में कुछ मार्जिन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मार्जिन होता है, एंड दैट मार्जिन फॉर राइटिंग द डिफिकल्ट वर्ड्स और डिफिकल्ट पैसेजेस, इफ यू हैव यू कैन राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन.
क्लियर। आपको जो डिफिकल्ट वर्ड होता है, डिफिकल्ट पैसेज होता है, इसको सब स्टडी मटेरियल जो पढ़ने का टाइम में जो मैप, एक पेंसिल लीजिए, एक पेन लीजिए, आपको और जो पैसेज इसको डिफिकल्ट होता है, जो सेंटेंस आपको अलग लगता है कि आपका डिफिकल्ट डिफिकल्टी क्रिएट करता है, तो इसको सब अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं तो जो पैसेज, जो मार्जिन है, राइट हैंड साइड मार्जिन, बुक्स में राइट हैंड साइड मार्जिन है, लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन है, ये मार्जिन साइड में लिख दीजिए कि ये मेरा डिफिकल्ट पैसेज है, इसको मैं कोच रिसोर्स पर्सन जो है कि आपका जो काउंसलर है उनका साथ डिस्कशन करके क्लारिफाई हो जाऊंगा। ये है, दिस इज द पर्पस ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग। तो आपको आ जाइए, जो असाइनमेंट कैसा लिखना है, जो असाइनमेंट बार में वो बता रहा था कि असाइनमेंट इज ब्रिजेस द गैप बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर और टीचर के बीच जो जो सम, जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप डेवलप करता है असाइनमेंट। कैसे होता है ना, आप तो असाइनमेंट दे दिए, टीचर भी आप टीचर भी नहीं देखे, तो आपका टीचर आप जो करते हैं आप टीचर को नहीं देखे, तो आप असाइनमेंट इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन करने का टाइम में जो भी कुछ कमेंट्स देंगे, पॉजिटिव कमेंट्स जो है देंगे, आपको पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे, सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, ये एडवाइस असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट में मिलेगा। ये असाइनमेंट जो मिलेगा, ये जो आपको इवैल्यूएटेड असाइनमेंट मिलेगा, क्योंकि आफ्टर यू जो सबमिशन का टाइम में आप देखे दिए, इसको इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन का बाद जो आप रिटर्न करेंगे, जो स्टडी सेंटर में जो एकेडमिक काउंसलर रिटर्न करेंगे, आपको मिल जाएगा कि आप और ये मेरा इवैल्यूएटेड असाइनमेंट दीजिए, और ये जो इवैल्यूएटेड असाइनमेंट आपको रिटर्न होगा, वो रिटर्न का बाद आप देखिए क्या क्या कमेंट्स में आपको मिला है। इवैल्यूएटर्स तो कमेंट्स कुछ अब जो पढ़े, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फाइव, जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है आंसर आप दिए सब पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद देखिए क्या क्या कमेंट्स दिए, कुछ कुछ कमेंट्स तो देंगे, वही कमेंट्स आपको पढ़ने के बाद एक आपको क्या एक आइडिया आ गया कि मुझे लिखने से मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा, मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा, इस हिसाब से यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। So this is the goal, the responsibility, or this is the role of assignment. तो आ जाइए assignment का वेटेज क्या है। तो assignment जो क्या है, इसमें 30% वेटेज है, मन याद रखिए, आप assignment का वेटेज है 30%। कहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसा पढ़ना है, और जो आप आ जाइए assignment का वेटेज क्या है, assignment का वेटेज है 30%। आप 100 marks का असाइनमेंट दिए, 100 marks का असाइनमेंट जो है तो इसी में 30% कैलकुलेशन का। सपोज यू आर सिक्योर्ड 70 marks इन असाइनमेंट, सपोज टेक द एग्जांपल दैट यू हैव सिक्योर्ड 70 marks इन असाइनमेंट, सो इसी में 30% कैलकुलेशन, 30% मतलब कितना है ना, 21 marks आएगा फ्रॉम योर असाइनमेंट पार्ट, समझ रहे हैं ना, तो असाइनमेंट पार्ट से आएगा 30%। कम टू टर्म एंड एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपको कितना मार्क्स के एग्जाम देंगे ना, 100 marks, तो 100 marks से आपको कितना ना 70 marks कैलकुलेशन होगा। सपोज टेक द एग्जाम्पल दैट यू हैव स्कोर 60 marks इन योर टर्म एंड एग्जाम, जो टर्म एंड एग्जाम आपका जून में होने वाला था, वो टर्म एंड एग्जाम में सपोज यू हैव सिक्योर्ड 60 marks, देन 60 marks का 70% कितना होगा ना 42 marks, तो 42 marks प्लस ये जो 21 marks इसको मिला दीजिए, ये हो गया आपका एग्रीगेट मार्क इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, समझ रहे ना। तो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन 70 marks, 70% एंड असाइनमेंट 30% वेटेज इन द रेस्पेक्ट ऑफ असाइनमेंट, 70% वेटेज इन द रेस्पेक्ट ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन। सो इफ यू ऐड टुगेदर देन दैट विल बी योर कंपोजिट मार्क फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स, समझ रहे ना। तो हो गया ये आपका असाइनमेंट का जो वेटेज है। तो असाइनमेंट लिखना कैसे पड़ेगा, समझ रहे, असाइनमेंट लिखेंगे कैसे आप,
तो असाइनमेंट लिखेंगे इसे, मैं एक स्लाइड आपको शेयर करता हूँ, प्लीज आप थोड़ा देख लीजिए। तो असाइनमेंट आपको, आपको असाइनमेंट के बारे में एक मैं स्लाइड बताया, तो ये देख लीजिए प्लीज, आई एम शेयरिंग विद यू असाइनमेंट इन ओडियल। तो मैं एक शेयर करता हूँ, प्लीज आप देख लीजिए, इसमें आइडिया आ जाएगा। आपको आइडिया क्या आ जाएगा, आप लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे लिखते हैं, इसमें आपको बहुत इजी होगा। आपको स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप देख पा रहा है ना? अरे आ रही स्लाइड, ओके। असाइनमेंट, आई हैव ऑलरेडी असाइनमेंट, असाइनमेंट इज नथिंग इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। आपको आंसर लिखना है असाइनमेंट का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ असाइनमेंट? असाइनमेंट का रोल क्या है? ना ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एकेडमिक काउंसलर एंड द लर्नर्स। इसका रोल है एक जो रिलेशन डेवलप करता है एकेडमिक काउंसलर्स एंड द लर्नर्स, इसका रोल है। और टाइप ऑफ असाइनमेंट इन ओडीएल, ओडीएल में कितना टाइप का असाइनमेंट है? ना दो टाइप का, एक ट्यूटर मार्क असाइनमेंट और एक कंप्यूटर मार्क असाइनमेंट। आपको देना है सिर्फ ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, कंप्यूटर मार्क देना नहीं है, समझ रहे हैं ना? आपको सिर्फ ट्यूटर मार्क असाइनमेंट देना है। कंप्यूटर मार्क जो असाइनमेंट है वो एमसीए बीसीए के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट देना है। व्हाट इज द वेटेज ऑफ असाइनमेंट? असाइनमेंट का वेटेज कितना है? ना 30% इन द केस ऑफ असाइनमेंट एंड 70% इन द रेस्पेक्ट ऑफ टर्म एंड एग्जाम। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू।
देन हाउ टू गेट द असाइनमेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां से मिलेगा, कहां मिलेगा ना, यू आर आपको सिंक करना है इन वेबसाइट www.igno.ac.in और रीजनल सेंटर वेबसाइट है www.rcbhubaneswar.igno.ac.in. हाउ टू राइट असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज, आपको कैसा लिखना है असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज. एक A4 साइज पेपर और रोलिंग पेपर, आपको A4 साइज पेपर और रोलिंग पेपर लेना है. इन द फ्रंट पेज, इन द फ्रंट पेज राइट योर नेम, कोर्स कोड, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, स्टडी सेंटर कोड और आपका जो मोबाइल नंबर है जो लिख सकते हैं फ्रंट पेज में. सेकेंड पेज में आप लिव इट ब्लैंक, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो बताया आपको ये पेज इट विल बी Use, it will be used by your academic counselors. जो आपका academic counselor है इसको use करेंगे. इसलिए आपको you have to leave it blank. आप कुछ लिखना नहीं है इसमें, आप कुछ लिखेंगे नहीं इसमें. You have to leave it blank. और third page में इसको आपको again you have to write the answer. Third page में आपको answer लिखना है. You have to write the question. Then it will be followed by the answer. आपको क्वेश्चन लिखना है एक नंबर, जो क्वेश्चन नंबर वन क्या क्वेश्चन है, इसके बाद स्टार्ट राइटिंग योर आंसर फ्रॉम पेज नंबर 3 ऑनवर्ड्स. क्लियर ना. अगेन पेज नंबर 4 लीव इट ब्लैंक, अगेन पेज नंबर 5 राइट, अगेन पेज नंबर 6 लीव इट ब्लैंक. सो राइट फॉलो दिस वे और फॉलो दिस पैटर्न. देन ये आपका क्वेश्चन देखिए, हम दिखा रहा हूं एक असाइनमेंट का सैंपल, सैंपल ऑफ असाइनमेंट रेस्पॉन्स कैसे लिखा जाता है. तो असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है ने देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपका स्टडी सेंटर कोड लिखा है, उसका नाम लिखा है, कोर्स कोड लिखा है, कोर्स टाइटल लिखा है, सेशन लिखा है, असाइनमेंट कोड है, सबमिटेड बाय हुम, एनरोलमेंट नंबर लिखा है, डेट लिखा है, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखा है, इसको सब लिखना आपको पड़ेगा. So it is very important for all of you. This is the sample of question paper. तो ये sample इसी model में आपको लिखना पड़ेगा. तो next आप इसी को snap ले लीजिए, एक snap जो है ये snap ले लीजिए, so that it will help you in writing the assignment. So ये जो assignment इसी model में लिखने से it will be convenient, it will be very informative. And it is also very instructive. So the easily it can be evaluated by your evaluator. There absolutely no problem. Then when to submit the assignment? Aapko assignment kab jama karna hai? So for the month of June tournament exam, you have to submit the assignment in March. Aapko March mein deposit karna hai for June tournament exam ke liye. फॉर जून टर्मिनेट एग्जाम के लिए आपको असाइनमेंट मार्च महीना में देना पड़ेगा. रिमेंबर, बिकॉज सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए, सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन किए हैं दे विल, बिकॉज यू आर जनवरी साइकिल स्टूडेंट, तो आपको 6 मंथ में एग्जाम देना है. दैट इज वाई यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च and you have to write the examination in June. तो ये 36 month का जो suppose जो 1 year का program है, जैसे master degree है, bachelor degree है, post डिप्लोमा है, डिप्लोमा है, ये सब है 1 year course. जो student admission किए January cycle, they will be eligible to write the examination in December 2020. For them, they have to submit the assignment in September. And they have to fill up the form in September also. And they have to re-register for the second year or third year or semester based courses in October. So these are the schedule of the university. You have to follow it. Then when to get back the evaluated assignment? Aap jo main bataya hun, abhi bataya ki you have to submit the assignment. You have to collect the evaluated assignment. तो इवैल्यूएटेड असाइनमेंट आपको कलेक्ट करना है स्टडी सेंटर में. व्हेन यू हैव टू कलेक्ट द असाइनमेंट ना, इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, देन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर. इफ यू आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन इन जून,
सो यू हैव टू विजिट द सेंटर और स्टडी सेंटर एंड कलेक्ट योर इवैल्यूएटेड असाइनमेंट इन अप्रैल और मई. इफ यू आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन इन डिसंबर देन यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड इन सेप्टेम्बर. सो you have to visit the IGNOU study center and ask for evaluated assignment and the study center will give you back the or you will return you back the evaluated assignment and that will take place in October or November. Clear na? So why? Now because when you will get back the evaluated assignment, so you will get ample information how to improve your performance in the examination, because in the assignment each and every question is evaluated by the academic counselors. So academic counselors might have given the remarks, so might have given you suggestion, might have given you advice, might have given you instruction how to improve your performance in a better way, or how to write the answer in a better way, how to produce the answer in a better way. So ek aapko ye jo information milega ये मिलेगा आपको इवैल्यूएटेड असाइनमेंट में. ये जो इवैल्यूएटेड असाइनमेंट आपको मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन को आप जो सजेशन मिला है इसको थोड़ा पढ़िए. पढ़ने का बाद एक आइडिया आ गया, वो इसी हिसाब से आप एग्जाम दीजिए और यू कैन एक्सेल और यू कैन डू बेटर इन द एग्जामिनेशन. दैट इज व्हाई यू हैव टू कलेक्ट द इवैल्यूएटेड असाइनमेंट फ्रॉम द स्टडी सेंटर. देन हाउ टू चेक द स्टेटस ऑफ असाइनमेंट मार्क्स. आप तो असाइनमेंट मार्क मिल गया, आपको पता चल गया मैं इतना मार्क में मिल गया, तो आप जो कब ये जो मार्क है वो मार्क आपका ग्रेड कार्ड में नहीं मार्कशीट में चढ़ा कि नहीं, यू हैव टू चेक द ग्रेड कार्ड. तो ग्रेड कार्ड आप कैसे जाएंगे ना, आपको स्टूडेंट जोन जाना पड़ेगा, देन क्लिक ऑन असाइनमेंट स्टेटस, देन देखिए इसमें स्टेटस में क्या दिखा रहा है. तो इस जो दिखा रहा है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द मार्क्सिट और नॉट. इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्क्सिट देन यू राइट टू अस, यू राइट टू अस देन दिस इज द मेल आईडी. इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ग्रेड कार्ड यू कैन राइट टू अस, दिस इज आवर मेल आईडी, मेल आईडी ऑफ रीजनल सेंटर, रीजनल आरसी भुवनेश्वर @igno.ac.in, assignments@igno.ac.in, registrar@igno.ac.in. These are the mail IDs of different sections who are handling the assignment. RC Bhubaneswar also handling, assignment section is also handling, registrar SCD also, because he is the in charge of evaluation, so he is also handling. So you can write to them and get your problem resolved. Thank you very much for your patient hearing. If you have further any clarification, you can write to us and you can also discuss with me. As I said, you can also discuss with me if you have any problem. Okay. Now, due to a technical snag, this is our resource person, Dr. Ashutosh Jha, could not contact with us. So he told me from tomorrow onwards, he will start the class because there are some problems. There is maybe running that side or some, there is maybe poor connectivity, so that he could not contact with us. But tomorrow onwards, please attend the classes in a full, with full potency or with full confidence you attend the class, so that it will be more impressive and you can enjoy the class. At the same time, you can upgrade your knowledge. That is the purpose of this online class, because there is less chance of conducting the offline classes, and we do not know, nobody knows that when there will be a pandemic situation will be over. So for the time being, please participate in the online class and enjoy the session, interact with the resource person, and you can I hope that will help you in your for your examination. With these few words, thank you once again. Have a nice day. We'll wind up this program tomorrow. It will exactly the session will start at 10 a.m. thank you. Thank you, sir. आपको लेकिन एक बार आप इन सारी चीजों को जो एलिमेंट्स मैंने आपको बोले जो सोने बोले आपको
हेलो हेलो सर हेलो हेलो सर कैसे सकते